अकाउंट में अकाउंटिंग रखने के दो सिस्टम होते हैं, एक डबल एंट्री सिस्टम और एक सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में एवरी ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, यानी एक दो अकाउंट को प्रभावित करती है, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन को केवल एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कैश विदड्रॉन फ्रॉम पर्सनल यूज, तो जो ये ट्रांजेक्शन है ये अगर डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे तो ये दो अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। अगर यही ट्रांजेक्शन अगर सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे तो ये केवल कैश अकाउंट में ही इसकी रिकॉर्डिंग होगी। ये डबल एंट्री सिस्टम में का यूज जो होता है वो लार्ज कॉर्पोरेट बिजनेस यूज करता है, और इसी तरह सिंगल एंट्री सिस्टम का यूज स्मॉल पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का द्वारा यूज किया जाता है। जब इस बड़ी कंपनी यूज करती है तो बड़े बड़े अकाउंट रखती हैं, बड़े बड़े अकाउंटेंट को रखना पड़ता है और सारे अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हायर कॉस्ट हो जाती है। और जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप की वजह से ये सेल्फ मेंटेन भी हो जाती है और इसमें इतने अकाउंट नहीं रखने पड़ते, जिसकी वजह से इसकी लेस कॉस्ट रहती है।